नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार में, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम क्लियरेंस और कस्टम ऑप्शन के बारे में। आज मैं आप लोगों को लाइव ऑक्शन या कस्टम क्लियरेंस की नॉलेज नहीं देने वाला। आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ। ये एक बहुत ही मेजर चीज़ है मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी, ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। हम एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन बना रहे हैं फॉर एक्सपोर्टर्स ओनली। और ये सारी चीज़ को कैसी हम डिजिटाइज करें, ये जो सारी हर्डल्स होती हैं शुरू में एक्सपोर्टर्स को, उस चीज़ को कैसे हम सॉल्व करें इस ऐप के थ्रू, ये कोशिश करने की, ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कस्टमर एजेंट हूँ, मैं पिछले 8 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैंने एक्सपोर्टर्स को इम्पोर्टर्स को बहुत सामने से देखा है, ग्राउंड लेवल पर चीज़ें करी है मैंने, फ्रॉम फाइलिंग टू पेपर असेसमेंट टू एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें मैंने फ्रॉम टॉप टू बॉटम कर रखा है। तो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपीरियंस है और मैं रोज़ सीखने की भी कोशिश करता हूँ, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। और उसी के एक्सपीरियंस के बेस में मैं एक एप्लीकेशन, एक कंपनी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कुछ हमारी एक टीम हमने इकट्ठा करी है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे शार्प माइंड है, ब्रिलियंट माइंड है। तो हम सब मिलकर एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, इस चीज़ को ईजी बनाने के लिए। तो ये एप्लीकेशन जो है ये एकदम स्टार्टिंग फेज में है, अभी हमने इसका एक प्रोटोटाइप बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर एक्सपोर्ट करते हैं, ऑलरेडी करते हैं या करने का सोच रहे हैं, स्टार्ट करने का सोच रहे हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ भी, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट करके मेरे को बताएं वो कौन सी मेजर 3 प्रॉब्लम है जो आप लोग चाहते हैं कि हम जिस चीज़ पर काम करें और अपने एप्लीकेशन में डालें, ताकि आप लोगों को वो चीज़ करने में ईजी हो। कौन सा 3 मेजर ऐसा प्रॉब्लम है जो सबसे ज़्यादा आप लोग फेस करते हैं, अगर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फेस कर रहे हैं, या आप लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ अपना ओपिनियन शेयर करिए। हम बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट पे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो हम ऐप बनाएं, जो हम एक सॉफ्टवेयर बनाएं, ये हर एक एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर के काम आए, उसकी चीज़ों को आसान करें, उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखी है बहुत सारी, बट मैं चाहता हूँ प्रैक्टिकली आप लोगों से सुनना कि वो कौन से 3 ऐसे मेजर प्रॉब्लम हैं जो हम इस ऐप में इनिशियल लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इस ऐप को लेके, उसके बाद देखेंगे क्या क्या चीज़ हम इसमें डालते हैं, बट इनिशियल लेवल पर मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं कि ऐसी कौन सी 3 मेजर प्रॉब्लम जो लोग वक्त फेस करते हैं, इम्पोर्टर हो एक्सपोर्टर हो, स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट कर रखा है तो वो लोग फेस करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट करें। आप लोग चाहे तो अपना ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, हमारी टीम में से कोई या मैं आप लोगों से डायरेक्ट फ़ोन पर बात करूँगा और पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल इंटरेक्शन करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम इस एप्लीकेशन को बेटर बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोगों की, हमारे देश की हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको पता है कि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में शिफ्ट हो रही है, तो आगे जाके इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। रीसेंट ईयर्स में, रीसेंट महीनों में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है, हम लोगों ने $400 बिलियन का ऑलरेडी माइलस्टोन टच कर लिया है, उसके ऊपर भी आने वाले टाइम में मुझे पता है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला है और हम चाइना को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देंगे विद इन 2025 और 2030 तक। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना इनपुट दें और हम और आप साथ में मिलकर इस एप्लीकेशन पर काम करें और दूसरों की हेल्प करें, आप लोगों की हेल्प करें, आप हमारी हेल्प करें, हम आपकी हेल्प करें, तब एक दूसरे की हेल्प करें और एक ऐसा एप्लीकेशन लेके आए जो कि सारे इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के काम आए, उनके चीज़ों को डिजिटाइज करें, उनकी चीज़ों को फ्लो में लेके आए, उनकी चीज़ों को आसान करें, हमारे इंडिया से जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है उसको हम आसान करें। तो इस वीडियो में यही था दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ, ये हमारी एक मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि हम आप एक साथ मिलकर इस एप्लीकेशन पर काम करें और इस एप्लीकेशन को इंडिया का पहला एप्लीकेशन बनाएं जो कि इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर पे बेस्ड है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ड है। इससे पहले भी 2-4 एप्लीकेशन इंडिया में और है, बट वो उतना ज़्यादा काम की नहीं, क्योंकि हमने अपने लेवल पे सारी रिसर्च कर रखी है ऑलरेडी। तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जितने ज़्यादा एक्सपोर्टर्स तक पहुँचेगा या बिजनेसमैन तक पहुँचेगा और उनको पता लगेगा कि हम क्या करने वाले हैं, तो आपका इम्पोर्ट ज़्यादा मिल पाएगा और हमारी भी हेल्प ज़्यादा हो पाएगी। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड, कस्टम ऑप्शन से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।